गुड मॉर्निंग बच्चों, जामिया मिली हायर सेकेंडरी स्कूल तिलई बाजार घीनपुर प्रयागराज की सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं हूं आशीष गुप्ता। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे समकालीन भारत भाग दो, जिसे हम लोग भूगोल कहते हैं, के अंतर्गत पढ़ रहे थे जल संसाधन। ठीक है, जो हमारा तीसरा अध्याय था उसका क्या नाम था? जल संसाधन। उस कड़ी के अंतर्गत जो हम लोग समापन की ओर चल रहे हैं, उसके अंतर्गत था बच्चों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। कल हम लोगों ने देखा कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना किसे कहते हैं और उसके लाभ हानि और उसके कुछ विशेषताएं। आगे चलते हैं, उनको कुछ प्रमुख जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में श्रृंखलाओं के अंदर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे जो भारत की प्रमुख जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ हैं कौन कौन सी हैं, उसमें से दो चार पाँच अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो सबसे पहले यहाँ पर दामोदर है, ठीक है, उसके बाद भाखड़ नांगल परियोजना है, फिर तीसरा है हीराकुंड परियोजना, और चौथा है रिहान परियोजना, और पांचवा है तुंगभद्रा परियोजना, और छठा है जो आपका नागार्जुन परियोजना, और सातवां है इंदिरा गांधी परियोजना, और आठवां है टिहरी परियोजना। वैसे तो बहुत सारी परियोजनाएं हैं, किंतु इसमें आपको आठ ही जो सिलेबस के अंतर्गत है आपको पढ़ना है। ये सबसे पहले आप एक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं हमारी जो पहली परियोजना है। तो पहली परियोजना यहाँ पर देखिए बच्चों, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, ये है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर, किस नदी पर हुआ है? दामोदर नदी पर। पूछा जाता है कि दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर बना है, तो आप क्या बताएंगे? दामोदर नदी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ठीक है, करा कि दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर अमेरिका के, ठीक है, टेनेसी घाटी परियोजना के अनुसार हुआ। जैसे अमेरिका के टेनेसी घाटी है, उसी के समरूप यानी उसी जैसा ही हमारे भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। दामोदर नदी कहाँ है? छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार की पहाड़ियों से निकल कर ये झारखंड एवं, ठीक है, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने के बाद हुगली नदी, तो यानी हुगली जो नदी है ये पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध नदी है, में मिल जाती है। तो जो दामोदर नदी है बच्चों, ठीक है, वो झारखंड में से और पश्चिम बंगाल में होते हुए ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में कोलकाता के अंतर्गत आके मिल जाती है। और ना जो नाम आपका दामोदर नदी में आने वाली जो भयंकर बाढ़ के कारण, ये दामोदर नदी, जैसे कल हम लोगों ने बिहार में कोसी नदी की बात की थी, तो ऐसे जो हमारे बंगाल वगैरह में दामोदर नदी है, ठीक है, दामोदर नदी है, तो उसे इसके भयंकर बाढ़ के कारण क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। जैसा आपसे पूछा जाता है बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? दामोदर नदी। ठीक है, तो दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। अब इसमें ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है, तो आप क्या बता सकते हैं? ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो आने वाली नदी है दामोदर नदी, इसके भयंकर प्रवाह और बाढ़ के कारण, ठीक है, ये जनधन की हानि करती है, इस कारण से इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बाढ़ आने के कारण, ठीक है, अपार धनजान की हानि होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है कि लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो समझ लीजिए लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत ये अपने भयंकर प्रलय दिखाती है। ठीक है, इसलिए वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम इस कंपनी की स्थापना की गई। इस परियोजना के निर्माण में 110 करोड़ रुपए की लागत आई, यानी 1948 में दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण शुरू हुआ। और जो परियोजना, ठीक है, यह परियोजना विश्व में दूसरे नंबर की है, यानी जो विश्व में सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, तो यह दूसरे नंबर पर आती है। आगे चलेंगे, आगे कह रहे बच्चों, इस परियोजना के अंतर्गत उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? कोनार है, मैथान है, तिलैया है, पंजतेहल है, बाल है, बाल पहाड़ी है, बोकारो है, बहुत प्रसिद्ध है बोकारो, आपको भरने के लिए दे दिया जाता है। आप जब अभी मैप का काम होगा ना, इसमें मैप से मैपिंग कार होगा, तो इसमें मैप से संबंधित प्रश्न आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बारमो है और दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर बोकारो वगैरह इस्पात यानी स्टील के लिए प्रसिद्ध है। स्थान पर आठवां बांध बनाए गए हैं। वहीं बोकारो, दुर्गापुर और चंदपुरा में तीन तापी विद्युत यानी उसमें विद्युत गृह बनाए गए हैं। इन बांधों से, ठीक है, लगभग 2500 किलोमीटर लंबी दो नहरें भी निकाली गई हैं, यानी जो दामोदर नदी से है लगभग 2500 किलोमीटर दो नदियां, ठीक है, दो यानी नहरें निकाली गई हैं, यानी एक ही नदी से दो निकाली गई हैं। सोचिए कितना इसमें जल अधिक होता होगा। आगे है, जिनसे
7.5 ठीक है, 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। मतलब सोच लीजिए कितने लंबी नदी है और कितनी सिंचाई की जाती है। इस परियोजनाओं में 1187 वर्ग किलोमीटर यानी वर्ग जो आपका मेगावाट है, ठीक है एमजी मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, यानी इस परियोजना से लगभग 1187 मेगावाट बिजली भी पैदा की जाती है, सिंचाई भी की जाती है और इस्पात कारखाने का भी इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इसलिए क्या है, ये नदी घाटी परियोजना बहुत ही उद्देश्यपूर्ण है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बहुउद्देशी नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। आगे देखेंगे बच्चों, यह परियोजना छोटा नागपुर पठार के उजाड़ और बीरान क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हुई। अब आप समझ सकते हैं जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ जब पानी वगैरह आ जाएगा तो अपने आप सिंचित होने लगेगा और वहाँ पे खेत खलियान आ जाएंगे, हरा भरा होने लगेगा, तो मानव जीवन वहाँ पे उजागर होने लगेगा और वो अस्तित्व में आ जाएगा। तो अगर ऐसी नदियों को हम लोग क्या करना चाहिए, संचय करना चाहिए। आगे चलेंगे, दामोदर घाटी के ऊपर, ठीक है दामोदर घाटी के ऊपरी भाग में वन लगाकर भूक्षरण नियंत्रित किया गया है। यानी जो दामोदर नदी का, ये सब पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा आते हैं, तो इसमें क्या किया जाता है, जो भूक्षरण है रोकने के लिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। आप देखिए जब पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, ठीक है ये जड़ें, ठीक जड़ें क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ लेती हैं इस प्रकार। तो आगे क्या कह रहा है कि ठीक है, नहर के कारण पश्चिम बंगाल और झारखंड से कोयला और अभ्रक नावों द्वारा कारखानों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है वहीं पे बोकारो सिंदारी और दुर्गापुर कोडारामा के औद्योगिक केंद्र पर इस परियोजना के द्वारा सस्ती जल विद्युत भी भेजी जाती है। यानी पे जो ये सभी कंपनियां हैं, ठीक है बोकारो है, सिंदारी है, दुर्गापुर है, कोडरमा है, कि ये सभी क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया यानी औद्योगिक केंद्र हैं, इन सभी को तो लाइट की जरूरत पड़ती है। तो इसी नदी से, जो दामोदर नदी है, इसे लाइट से उत्पादन करके इन नदियों को विद्युत पहुँचा दिया जाता है, जिससे ये सस्ते दर पर अपनी बिजली पा जाते हैं और अपने औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग कर लेते हैं। तो बच्चों इसलिए क्या है, जो आपकी दामोदर घाटी परियोजना है बहुत ही महत्वपूर्ण नदियों में से और बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है, जो विश्व की दूसरे नंबर की परियोजना के अंतर्गत आती है। आगे चलेंगे, अगला है बच्चों भाखड़ नांगल परियोजना, ठीक है भाखड़ नांगल परियोजना, आइए देखिए क्या कह रहा है। इस परियोजना का निर्माण, ठीक है पंजाब राज्य के रोपड़ जिले में हुआ है। कहां पे, पंजाब। तो आपसे पूछा क्या जाता है, भाखड़ नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है, आप क्या बताएंगे, पंजाब राज्य में, ठीक है पंजाब राज्य के रोपड़ जिले में हुआ है, ठीक है इसके अंतर्गत सतलज नदी पर, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाता है, भाखड़ नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, सतलज नदी पर, ठीक। जैसे वहाँ पे दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ पर स्थित है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे भाखड़ नांगल परियोजना कहाँ पर आता है, पंजाब और सतलज नदी पर स्थित है। कल आपको जो एक पेज दिया गया था इमेज का, उसमें देखिए उसमें पूरा बाकायदा दिया गया है, उसको ध्यानपूर्वक आप एक कागज़ पर लिख लीजिए बढ़िया से। आगे है, भाखड़ नांगल नामक स्थान पर, ठीक है नामक स्थान पर बांध बनाया गया, वह भारत का सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। यानी जो भारत के सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है वो कौन सा है, भाखड़ नांगल परियोजना, जो पश्चिम जो आपके पंजाब राज्य के सतलज नदी पर स्थित है। आगे देखेंगे बच्चों, भाखड़ा बांध विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यानी विश्व का सबसे जो दूसरा ऊंचा बांध है वो कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध है। इसकी ऊंचाई लगभग 126 मीटर है, यानी जो भाखड़ नांगल बांध की ऊंचाई कितनी है, 126 मीटर है, और नदी तल पर लंबाई कितनी है इसकी, 338 मीटर। वहीं ऊपर की इसकी चोटी क्या है, आपकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई के अंतर्गत आती है 518 मीटर। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ नामक विशाल जलाशय यानी हिमाचल प्रदेश का है एक तालाब बनाया गया है, सौंदर्यपूर्ण, जो आपको देखने योग्य है, बहुत ही मनोरम है। आगे देखेंगे, कह रहा कि भाखड़ से 13 किलोमीटर नीचे एक गांव है नांगल, ठीक है कौन सा गांव है, नांगल। कह रहा कि भाखड़ से 13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक स्थान पर नांगल बांध बनाया गया है, ठीक है बनाया गया है, जो 29 मीटर ऊँचा है। कितने मीटर ऊंचा है बच्चों, 29 मीटर ऊंचा है, ये ध्यान रखिए, पॉइंट आप इसी से मार्क्स ही मिलते हैं, 29 मीटर आपको ऊंचा है और 315 मीटर इसका लंबा है, ठीक है। और इसकी जो इसकी सहायता से नदी के जलस्तर को 15 मीटर ऊंचा उठाया गया है। यानी जो भाखड़ नांगल परियोजना है, इससे जो पंजाब का क्षेत्र है, आपका पंजाब क्या है, 5 नदियों की भूमि कही जाती है, और ये कृषि क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, आप समझ लीजिए पंजाब।
इस बांध पर 28 निकास द्वार हैं। कितने निकास द्वार हैं? 28। और ये भाखड़ बांध से 5 नहरें निकाली गई हैं। आप वहाँ पे देखिए, 2 नहरें निकाली गई थी और भाखड़ा से कितनी निकाली गई हैं? 5 निकाली गई है। भाखड़ की जो मुख्य नहर नंबर 1, दूसरा है सरहिंद नहर, तीसरा है बिस्त दुआब नहर और चौथा है नरवाना नहर और शाखा तथा पांचवा है नांगल जल विद्युत नहर। तो ये पूरा आपके बच्चों भाखड़ नांगल परियोजना और दामोदर परियोजना थी। आगे और दो दो कड़ी के अंतर्गत है, हम लोग दो दो का अध्ययन करेंगे विस्तारपूर्वक। तो यहाँ पर आपका ये पूरा दोनों परियोजनाएँ हुई। अगर आपको यहाँ से कोई समस्या हुई है तो आप बताइए, उसका निराकरण कर दिया जाएगा। और आप लगातार अपना क्लास करते रहिए, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं। तब अगली क्लास में फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।